बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सोनिया नाज, और आप देख रहे हैं मोरा टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि खुशी हो, गम हो, या कोई भी त्यौहार हो, तो मोरा टीवी अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को फरामोश नहीं करता। आज बहुत मुबारक रात है, शब मेराज की रात है, तो हमने सोचा कि आज की रात भी हम अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। ना सिर्फ इस रात में इंशाल्लाह आज लंगर और न्याज का एहतमाम भी होगा, दुरुद ओ सलाम की महफिल भी सजाई जाएगी, और उसके साथ साथ आज एक छोटी सी राशन ड्राइव भी हम करेंगे, क्योंकि आज मुबारक रात है और मुबारक रात को वैसे भी लंगर और न्याज का लोग एहतमाम करते हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ से लंगर और न्याज करने के बाद हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, हमारे जो बहन भाई हैं, वो अपने घरों में जाके भी लंगर और न्याज का एहतमाम करें। तो हस्ब मामूल अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, मेरे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान, खुदा ना करे। तो मैं दावत देना चाहूँगी कि नसीबो, जिनका नाम भी नसीबो है, तो यकीनन इनकी खूबसूरत आवाज़ में हम चाहेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सुने। तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास, तू समंदर में भटकी हुई प्यास, मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर, जितना तुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नसीबों ने यकीनन बहुत खूबसूरत नाते रसूल मकबूल के हमद सना की, शबे मेराज की तवस्सुत से हाँ, जो पढ़ी है। बिल्कुल। और आप ये देखें तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी कम्युनिटी में कितना टैलेंट है। अब सिर्फ ये नहीं कि ये गाना बजाना ही जानते हैं, ये लोग हमद सना भी करते हैं, और किस तरह से एहतमाम किया जाता है, चाहे वो मुहर्रमुल हराम हो, रमज़ान मुबारक हो, या रजब हो, या शबान शरीफ हो, हमारी कम्युनिटी भी इसको इसी तरह से ही बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाती है। तो आज की ख़ास बात यह है, आज बहुत मुबारक दिन है, कम्युनिटी मेंबर तो हज़ारों हैं, सब मेरी सर आँखों पे, लेकिन आज ये स्पेशल एक हमारी बोर्ड मीटिंग भी है। ये समझें कि ये जो लोग हमारे पास बैठे हुए हैं, ये आज हमारे बोर्ड का हिस्सा ऑफिशियली बनने जा रहे हैं, और इनको स्पेशल इनको हम लोग फूड पैकेज ड्राइव दे रहे हैं, और वो सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं होगा, वो पूरे 11 महीने के लिए होगा। तो मेरे ख्याल में इसके लिए क्लैप होनी चाहिए। तो जिनके साथ हम कंसेंट फॉर्म साइन करेंगे आज, ये हमारी मोरे टीवी की टीम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इन्होंने माशाल्लाह बड़ी खिदमात दी हैं, बड़ी काविशी हैं इनकी, और कभी भी इनको एक आवाज़ दो तो ये फौरन चले आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज हम इनको अपनी मोरे टीवी की टीम का ऑफिशियली पार्ट बनाएं। और सबसे पहले मैं दिल तौर पर मशकूर हूँ अल खिदमत फाउंडेशन की, कि जिन्होंने हमें ये मार्जिन दिया और ये हमें मौका फ्राहम किया,
और उन्होंने आज हम तक ये ड्राइव पहुंचाई पूरे 11 माह। वो हमारे ये जो स्पेशल कम्युनिटी मेंबर्स हैं इनको राशन ड्राइव देंगे, तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है, इससे जरा इंसान की थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। समझती हूँ आजकल कितने मुश्किल दौर में। हाँ जी, आपने इतना अच्छा इंतजाम किया और अलखिदमत का मैं अगेन शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने इतना खूबसूरत पैकेज दिया, ना सिर्फ एक माह का, बिल्कुल, ना सिर्फ रमजान का, बिल्कुल बाकायदा पूरे 11 माह। हाँ इतनी महंगाई के दौर में मैं ये समझती हूँ कि ये किसी नेमत से कम कम नहीं है। और क्रेडिट सारा सोनिया नाज आपको और आपके जाता है और हम आपकी टीम का हिस्सा है, हमें इस बात का बहुत फख्र है। मैंने कभी कोई चीजें पोशीदा नहीं रखी, मैं चाहती हूँ हर चीज डिक्लेयर होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कौन से कंसेंट फॉर्म पे साइन करने जा रहे हैं। जी बाजी साहिमा, आप हमारे इस कंसेंट फॉर्म से एग्री हैं? जी जी एग्री, बगैर किसी खौफो खतर के, बगैर जोर जबरदस्ती के आप अपनी रजामंदी से इस पे साइन कर रहे हैं? जी जी रजामंदी से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी सोनिया नाज जी। जी आप एग्री हैं गुरुजी? हाँ जी मैं एग्री हूँ। हम आपको ऑफिशियली मोरे टीवी का मेंबर बना रहे हैं आज से, आप इससे रजामंद हैं? हाँ जी मैं रजामंद हूँ, अपने दिल से रजामंद। बहुत शुक्रिया आपका। तो निको आप एग्री हैं? हाँ जी बिल्कुल, अपने दिल से, अपनी खुशी से? खुशी से, दिल से। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती। जी लैला जी, जी आप एग्री हैं? हाँ जी मैं एग्री, अपने दिल से, जी रजामंदी से, हाँ जी अपनी खुशी से, जी अपनी खुशी। बहुत शुक्रिया भाई सोनिया, तो पहले ही मोई टीवी का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी हम लोग हाजिर हैं, पहले ही हमारे साथ हैं और रहेंगे जी, और अपनी रजामंदी से आज आप ऑफिशियली रजिस्टर हो रहे हैं। हम लोग इस बात पे आप खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं हम लोग कि आप इतना हमारे साथ करती हैं। जी मिस जेनिफर, आप एग्री हैं? जी मैं बिल्कुल खुश हैं। जी जी मैं खुश नहीं, मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से, ये तकरीबन हर माह हमें मिलेगा तो इसके लिए मैं खुश भी हूँ और एग्री भी हूँ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट हमें बताया। आपने कंसेंट फॉर्म की सारी शिकें सुनी? जी जी सुनी। किसी शिक पे आपको एतराज हो? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है, इस चीज में हमें भी पता हो कि क्या होने वाला है और क्या चल रहा है, तो ये एक तरह से बड़ी अच्छी आपने ये जो हमें ये एक जो आपने पढ़ के सुनाया सर ने, तो उसके लिए हम एग्री हैं, टोटल एग्री हैं। थैंक यू और आपका शुक्रिया अदा। जी नाजरीन, लंगर का माशाल्लाह से अब सिलसिला शुरू होने लगा है और ख़त्म और दुरूद सलाम की महफिल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सजा दी है, और बताने का मकसद सिर्फ ये है, सिर्फ इसलिए कि लोग दूसरों लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि ये जो मेहमान नवाजी की सुन्नत है ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद से अदा की है, इसके लिए हमें कोई स्पॉन्सर नहीं करता, वो इसलिए कि ये मेरे बहन भाई हैं, ये मेरे मेहमान हैं। मैंने एक हदीस पाक का मफहूम है वो सुना था कि जिसको अल्लाह पे और आखरत पे, बहुत बड़ी बात है, जिसको अल्लाह पे और आखरत पे यकीन हो और उस पे वो ईमान रखता हो और उसके घर में कोई मेहमान आए और वो उसकी मेहमान नवाजी करे तो ये उसके लिए बहुत बड़ी फजीलत की बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके घर में कोई मेहमान है, आप उसकी मेहमान नवाजी करें। फिर मैंने हजरत अली का कॉल एक सुना था कि बहुत ही बदकिस्मत है वो शख्स जिसके घर में कोई जाए और कुछ खाए पिए बगैर आ जाए, तो गोया कि वो किसी घर से नहीं, किसी कब्रिस्तान से वापस लौट आए। तो जब से ये अकवाल और ये इतनी खूबसूरत बातें मैंने सुनी है, तो मुझे कोई स्पॉन्सर करे या ना करे, मैं अपने मेहमानों को खुद उनकी मेहमान नवाजी करती हूँ, और ये बताने का मकसद ये है ताकि मेन स्ट्रीम को भी एक अच्छा मैसेज मिले कि हम लोग आपस में कैसे प्यार मोहब्बत से और सलूक इत्तेफाक से रहते हैं और हर तरह की महफिलें सजाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह आप लोग अपने घरों में और अपनी रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ व अकारब के साथ सारे दिन अकीदत और एहतमाम से मनाते हैं, इसी तरह से हम ख्वाजा सरा बरादरी भी, हम आपस में यही हमारी बहनें हैं, यही हमारे भाई हैं, इनके साथ मिलके हम लोग अपनी खुशियां गमियां सेलिब्रेट करते हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक पॉजिटिव मैसेज पहुँच रहे हो बस, और दिखावा नहीं है, कोई शोबदाबाजी नहीं है। अल्लाह माफ़ करे
कि शायद किसी और को देख के भी कहते ना शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कि मेरी इन बातों से या हमारी इन अच्छी आदतों से किसी और को भी मोटिवेशन मिले और कोई अच्छी बात सीखने का मौका मिल जाए, क्योंकि हम हर रोज एक नई बात सीखते हैं। मैं भी रोज सीखती हूँ, आप लोग भी रोज सीखते हैं, तो अच्छी अच्छी बातें करनी भी चाहिए और सीखनी भी चाहिए, और दस्तरखान पर अच्छी बातें करना सुन्नत भी है। तो नाजरीन अब हम लोग लंगर और न्यास करेंगे, तो हमें और हमारे टीवी की सारी टीम को और सारे बोर्ड मेंबर्स को आज इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ और एक नई अच्छी काविश के साथ। तो सोनिया नाज़ जिंदाबाद, मोरा टीवी जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।